तो ये छांद खिंडाई गई। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप फटाफट बने रहिएगा ब्लॉग में, आपको दिखाते हैं पूरा लुक। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, आप देख सकते हैं ये अभी आग जग रही, मतलब हमने एक पूरी छांद को खिंडाया और पूरा कूला हमारे घर के पास एक छपरी थी, मतलब छपरा था, तो उसको खिंडा कर पूरा सेटअप, मतलब कोई कचरा वगैरह वगैरह सब जला कर पूरा राख कर दिया। और ये आप लोग देख सकते हैं अभी ये आग जग रही है। तो ये हमने पहले उस छांद के ऊपर से निकाला, तो आप लोग देख सकते हैं साफ तरीके से ये अभी यहाँ पर ये लकड़ियाँ निकली थी उस छांद के अंदर से, और वास्ता भी जगा कर वो जो कचरा बढ़ रहा है तो वहाँ पर, तो ये यहाँ पर ये लगभग कोई टेंड आसपास रोपे हुए थे, और ये लकड़ियाँ बहुत ही पहले गंदी लग रही थी छांद, मतलब तिरपाल तिरपाल सब उड़ गए थे, तूफान आता है तो उड़ जाते हैं। तो ये टुकड़ा भी पूरा खिंडा दिया है, टुकड़े उपाड़े, और ये पट्टी है छोटी थोड़ी, मतलब आठ फुटा टुकड़ा है। तो आप लोग देख सकते हैं साफ तरीके से ये छांद है, अभी तक ये बीच वाला नहीं उपड़ा गया है, तो इसको अभी उपाड़ेंगे, उपाड़ेंगे तो ब्लॉक भी आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं साफ तरीके से पूरा। तो ये देखिए ये पट्टी है, यहाँ पर अभी पास्ता जग रहा है, और ये पास्ता दो जगह जगाया गया है, ये एक टुकड़ा पड़ा है यहाँ पर, दो जगह वास्ता जगाया गया हम लोगों ने जगाया, ये टुकड़ा पड़ा है यहाँ पर, ये पट्टी है वो देखो, एक वास्ता वहाँ पर है एक साइड में। तो आप फटाफट से लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो, और ये बंदो यहाँ पर घूम रहा है, दो जगह वास्ता जग रही है। तो आप लोग देख सकते हैं साफ तरीके से, आप फटाफट से लाइक ठोको, ये देख सकते हैं यहाँ पर टेंडा वगैरह निकले थे। आई होप ये ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक करें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय एंड टाटा।